ट्रेंडी फैशन स्टाइल मेमरेंस का ना जबकि साथ शेयर करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी के हाई कवरेज फाउंडेशन के बारे में। तो आप ये इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूँगी। बहुत दिनों से मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कोई हाई कवरेज फाउंडेशन के बारे में रिव्यू करिए, और जो कि स्विस ब्यूटी का और जो है ये हाई कवरेज जो फाउंडेशन है उसका रिव्यू कर दीजिए। तो मैंने सोचा लाइए आज आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ। उसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था एंड ये मुझे 239 रुपीज़ का मिला था। तो मैंने सोचा आज आपके इसका रिव्यू शेयर करती हूँ, इसकी पूरी डिटेल और इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी एंड उसको पूरे फेस पे भी अप्लाई करके बताऊँगी कि इसका कवरेज कैसा रहता है, हाई है, लो है, मीडियम है। तो इसकी पूरी डिटेल मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सी गाइस, ये है इसका स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन एंड ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। ये एक कार्डबोर्ड में आता है एंड इस पर लिखा हुआ है वाटर प्रूफ बेस फाउंडेशन। तो ये वाटर प्रूफ है कि नहीं ये आपको मैं प्रूफ करके बताऊँगी, बट इसके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट साइड पे इस पर लिखा हुआ है हाई कवरेज बड़ा बड़ा एंड नीचे लिखा है इसका ब्रांड नेम है एंड जो बैक साइड है उस पर पूरी जो है डिटेल्स दी हुई हैं कि जो है इसको कैसे यूज़ करना है एंड इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं। तो इस सब के बारे में चलिए बात करते हैं। तो इस प्रोडक्ट इस पर लिखा हुआ है कि एक डबल मॉइस्चराइजिंग जो है ये फाउंडेशन है, जैसे कि बीबी क्रीम है इसमें, मतलब सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि बीबी क्रीम है, फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन जो आता है, कंसीलर आता है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो है इस फाउंडेशन को बनाया गया है और ये आपकी स्किन को रेडियंट करता है। एटर्स नीडिंग अटेंशन इस पर लिखा है प्लीज़ स्टोर इन अ ड्राई प्लेस, इसको सूखी जगह पर रखें एंड इसको बच्चों की बहुत से बचाए रखें एंड इसको जो है अगर आपको किसी किस्म की इरीटेशन होती है इसको लगाने के बाद इसको इमिडिएटली जो है इसको लगाना बंद कर दें। वैसे इससे कोई खास इरिटेशन वगैरह नहीं होती, अगर फिर भी आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको जो है पैच टेस्ट कर लें, उसके बाद इसको अप्लाई करके देखें कि आपको किसी किस्म की कोई इरिटेशन नहीं हो रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेंशन किए गए एंड इस की साइड पे ये लिखे इसका टैग लगा हुआ है, ये मेरा शेड है नेचुरल बर्ग एंड ये वाटर प्रूफ फाउंडेशन बेस है। तो इसकी ये थी आउटर पैकेजिंग जिस तरीके से आपने देख लिया, इस पर बॉटल दी गई है बनी हुई है कि ये इस तरीके से बॉटल निकलेगी इसमें। तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसकी इनर पैकेजिंग ये काफ़ी अच्छे से अंदर से अच्छे से पैक हुई थी, इसमें डबल आप जो है पैकेजिंग की गई है ताकि जो है ये बॉटल ग्लास की है तो ये काफ़ी सेफ रह सके। तो इसकी जो ये बॉटल आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है, काफ़ी प्यारी लग रही है, काफ़ी मतलब देखने में इसकी बॉटल इतनी ज़्यादा अच्छी स्टाइलिश लग रही है। तो एंड इसका कैप है तो आप देख सकते हैं ये ग्लास बॉटल में है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है कि किसी किस्म के अगर आपको ज़रा से भी ब्रेक होता है ना, आपके हाथ से छूटता ही नहीं, तो ये बॉटल जो है सडनली टूट जाने वाली है। इसको आपको बहुत ध्यान करके और बहुत सेफली इसको रखना होगा और ग्लास बॉटल में दिया है एंड इस पर मेंशन किया हाई कवरेज फाउंडेशन स्विस बेटी है वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन है। तो ये इसकी थी आउटर पैकेजिंग। तो चलिए इसके प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट कैसा है एंड ये इसमें पंप दिया हुआ है गाइस, इसमें जो पंप दिया है तो इजली प्रोडक्ट इससे निकल जाता है एंड कोई दिक्कत नहीं होती किसी किस्म की। तो आप मेरा शेड देख सकते हैं, इस पर लिखा है 03 नेचुरल बर्ग शेड है जैसे कि मैंने बताया। तो चलिए इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके बताती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। इसको यहाँ पे मैंने हाथ पर निकाल लिया है, इसके दो ही पंप मैंने लिए हैं। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, काफ़ी रनी है, लिक्विड फॉर्म में है। तो जब मैं इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही थी तो यहाँ पे मुझे इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड फॉर्म में है, तो ये पता चल रहा था कि काफ़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म में है। ड्राई स्किन वालों को जो है ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि उनके लिए ये फाउंडेशन बेस्ट है, ऑयली स्किन वालों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन जो होता है ना वो कवरेज अच्छा नहीं देता है चाहे जितना भी अच्छा फाउंडेशन हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है डॉट डॉट करके और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने इसको अप्लाई करने के बाद मैंने देखा था कि जो है इसका कवरेज इतना ज़्यादा हाई नहीं था, जितने के अकॉर्डिंग इस पर लिखा है कि हाई कवरेज फाउंडेशन है तो इतना कवरेज हाई नहीं दे रहा था। बट ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन मुझे पसंद आया क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन के लिए तो ये सूट कर रहा था। एंड अगर ऑयली स्किन है आपकी, नॉर्मल है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको बिल्कुल भी नहीं ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप विंटर्स में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप विंटर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी दो लेयर आपको जो है अपने फेस पे अप्लाई करना पड़ेगा तो उसका कवरेज इतना मिलेगा कि आपको जितनी ज़रूरत पड़ती है। एंड यहाँ पे जो मैंने इसको एक कोड मैंने अप्लाई किया था तो इतना हाई कवरेज नहीं दे रहा था, जो मेरे फेस पे जो स्पॉट्स वगैरह थे तो वो दिख रहे थे मेरे फेस पे, तो मुझे मज़ा नहीं आया जितना कवरेज होना चाहिए उस फाउंडेशन का, लेकिन इतना कवरेज नहीं था। तो
उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए लैक्मे का सीसी जो कॉम्पैक्ट है उसको मैंने जो है अप्लाई किया इस फाउंडेशन के ऊपर, ताकि जो इसका कवरेज मैं जितना चाहती हूँ उतना कवरेज मिल जाए। तो मैंने जब इसको अप्लाई किया, उसको फाउंडेशन को सेट किया इस कॉम्पैक्ट से, तो जो है मेरा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो गया था मेरे फेस पर और जो है कवरेज भी सही दे रहा था। तो कॉम्पैक्ट लगाने के बाद अगर आप इस फाउंडेशन से आप देखेंगे रिजल्ट, तो अच्छा काम जो है इसका रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज जो है ये हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है, ये ड्राई स्किन वाले को सजेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फाउंडेशन जितने भी होते हैं वो ड्राई स्किन वालों को जाते हैं। तो मैं इसका वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाली हूँ, तो ये आप फाउंडेशन देख सकते हैं, ये मैंने हाथ पे लगाया हुआ है एंड इसका वाटरप्रूफ टेस्ट, तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये वाटरप्रूफ तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फाउंडेशन निकल रहा है। तो ये फाउंडेशन वाटरप्रूफ तो नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो कि वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।